फ्रेंड्स, नमस्कार। हमेशा मैं वीडियो अपलोड करती हूँ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, बट आज का मेरा वीडियो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मैं क्या क्या बताती हूँ जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है तो वो शायद आज का वीडियो देखने के बाद और भी अच्छे होने वाले हैं और बेटर फील करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज हम उन लोगों के बारे में जो दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और ताने मारते रहते हैं। देश की आधी जनता ताने मारने वालों से परेशान है, क्योंकि ताने मारने वाले खुद तो कोई काम करते नहीं हैं, और जो काम कर रहे होते हैं उनके बीच में कांटे बोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा वो दूसरों के लिए कर रहे हैं सेम ऐसे ही उनके जीवन में भी होगा, या उनकी फैमिली में आगे आने वाले किसी न किसी व्यक्ति के साथ ऐसा जरूर होगा जैसा कि वो ताने दूसरों को मारते रहते हैं। तो जो ताने सुन रहे हैं उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगी कि उन तानों को थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि जो ताने मारने वाले लोग होते हैं उनका काम ही यही होता है कि हम लोगों के काम में रोड़े अटकाना, हम लोगों को हर टाइम नीचा दिखाना। और मतलब जो ताने सुन रहा होता है उसको एक समय में जाके अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस भी हट जाता है। वो सोचता है कि हम इतने बुरे हैं या हमारे अंदर वो कमी है जैसा कि वो दूसरा बोल रहा है। लेकिन आप लोग कभी भी इसको सीरियसली मत लीजिएगा, कभी दूसरे के कहने में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिएगा। आपको अपने अस्तित्व को बचा के रखना है। तो जो ताने मार रहे हैं आप लोगों को उन्हें कोई भी जवाब नहीं देना, सिर्फ अपना काम करते जाना है। जो आपने एक एम बनाया हुआ है अपनी लाइफ का, अपने घर के काम का, जो भी है, चुपचाप उस काम को पूरा करना है और उसे जैसे हटा देना है, इग्नोर कर देना है बिल्कुल, कि हमें इनकी बात सुननी ही नहीं है बिल्कुल। जो आपको जो अच्छा लग रहा है, अगर आप भगवान की नज़र में सही हैं तो सब सही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो ताने मार रहे हैं उनके साथ खुद भी वैसा ही होने वाला है, वो खुद भी उनकी लाइफ में बुरा ही होगा अगर वो आपको किसी बात का ताना मारते हैं। तो आपको अपने ऊपर से अपना कॉन्फिडेंस लेवल हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और जैसा काम आप कर रहे हैं, जैसा आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग करते रहें और अपने को खुश रखें। अपने को खुश रखेंगे तभी आप अपने घर के काम ठीक से कर पाएंगे। किसी के विचारों को, किसी की भी सोच को अपने ऊपर आप हावी मत होने दीजिए बिल्कुल। अगर आपने अपने ऊपर हावी कर लिया तो आपका अपना जीना हराम हो जाएगा, आपके खुद के काम कोई भी नहीं हो पाएंगे सही से जो आप करना चाहते हैं। सिर्फ आपका दिमाग उन्हीं बातों में घूमेगा कि इसने ये कह के मुझको ताने मारे थे और ऐसा किया था वैसा किया था। बहुत से लोग अभी भी अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ तानों को सीरियसली ले रहे हैं। उन तानों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लीजिए, क्योंकि वो ताने मारने वाले बिल्कुल फालतू के इंसान होते हैं और उनका काम ही यही होता है कि ताने मारो और जो काम, जो ठीक से काम कर रहा है उसका काम बिगाड़ो और दुनिया की नज़रों में उसे बुरा बनाओ। अगर आपको भी कोई ऐसे ताने मार रहा है और आपके काम में बाधा कर रहा है तो आप कुछ भी जवाब मत दीजिए। आप हाँ, जहाँ पर आप गलत नहीं है वहाँ पर आप ज़रूर बोलिए, अपना डिफेंस कीजिए। ऐसा नहीं कि चुप रह जाइए, चुप रहने वालों को भी लोग गलत समझते हैं। आप अगर सही हैं, आपके पास एविडेंस हैं पूरे आपके सही होने का, आप उनको एक बार बता दीजिए। लेकिन बार बार सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी बुद्धिमानी से अपने हिसाब से अपनी लाइफ में काम करता है। जो दूसरे लोग दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं तो वो बहुत ही ख़राब लोग होते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए कि आप आगे आपका एम क्या है। और जो ताने मारने वाले लोग होते हैं वो उस एम को ख़राब करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, कि आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, बल्कि ताने इधर से सुनने हैं और इधर से निकाल देने हैं। अगर आप उनकी बात का जवाब देंगे तो आपका सारा दिन इसी में चला जाएगा, आप लड़ाई करते रहेंगे सारा दिन, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए ताने। और जो ताने मारते हैं उनके साथ सेम वैसे ही होने वाला है जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को देखें और मेरी बात को समझें। शायद मैं उतनी अच्छे से नहीं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन आप थोड़े को बहुत समझ के और अपने जीवन में बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी लोग आपको ताने मार रहे हैं, जो भी लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। बिल्कुल ऐसे चुप होके बैठ जाइए और अपना काम करते रहिए, उनकी सुनते रहिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि ताने मारने वालों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उनका काम ही यही है। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप कितने भी अच्छे बन जाओगे,
कभी भी आप सबकी नज़र में पूरे अच्छे नहीं बन पाओगे, कितने भी अच्छे बन पाओगे। अगर आप किसी के लिए, आज का ज़माना वो है कि अगर आप किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दोगे तो वो यही कहेगा गर्दन ऊपर से काटी है, थोड़ी नीचे से काटनी चाहिए थी। तो खुश तो वो हो ही नहीं पाएगा कभी। अब कभी आप किसी को खुश नहीं कर सकते। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें भी मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें यही लिखा था कि सबको खुश करना जिंदा मेढकों को तोड़ने जैसा है। एक को उठा कर रखो तो दूसरा कूद जाता है, दूसरे को रखो तीसरा कूद जाता है। तो अगर आप समझते हो कि आप अपनी जगह सही हो तो आपको ज़्यादा सफाई देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने काम से काम रखिए। चलिए अभी वीडियो और आगे भी है, आपको और भी बातें बताओ। तो अभी तो मैंने बताया कि जो ताने सुन रहे हैं उनके लिए और जो ताने मारते हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी मैं कि आप जैसा ताना मारते हैं सेम वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आप किसी को बाज बोलते हैं कि इसके बच्चे नहीं हैं ये बाज है, तो कल वो आपकी फैमिली में भी आपके साथ भी सेम वैसे ही होने वाला है। और आप अगर आपके बच्चे हैं और आप दूसरे को ताना मार रहे हैं तो कल वो आपकी बहू के साथ भी वैसा हो सकता है। इसलिए किसी को कड़वा बोलने से पहले चार बार सोचना, क्योंकि ये जो हम लोगों की जबान है ये भगवान ने ही दी है। अगर भगवान ही चाह रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो एक बार चाह लें कि हम, तो फिर हम लोग गूंगे भी पैदा होते हैं बहुत से लोग। ये भी सोचिए, भगवान ने अगर जबान दी है तो थोड़ा सा मीठा बोलिए सबके साथ। ऐसी भाषा मत बोलिए जो दूसरे के दिल को दुखी करे, बिल्कुल तोड़ दे। ऐसी मैंने देखा है कि समाज में जैसे जो विधवा हो जाती हैं बहनें, तो उनके साथ भी समाज का बहुत बुरा बर्ताव रहता है। दूसरे के साथ बुरा करना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है आप लोगों के ऊपर, तब पता चलता है। जब खुद की बहू बेटी के साथ वो बात होती है तब आपको पता चलता है कि आपने कितना बुरा किया है। और होता जरूर है, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी जरूर होगा। इसलिए ताने मारते हैं जो ज़्यादातर जो हमेशा दूसरे के लिए जो बैड थिंकिंग रखते हैं उनका अपना भी कभी भला नहीं होता है। हमेशा किसी से बात करिएगा या किसी को ताने मारिएगा तो बहुत सोच समझ के कहिएगा। आप कोई बात किसी से बोलते हैं तो ताना मार के बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, वही शब्द आप उसको अच्छे से भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी को कोई बात बतानी है या कोई अच्छी बात समझानी है तो आप उसे अच्छे वे में भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ताने मार मार कर हर बात समझाने की कोशिश करें। प्यार से भी काम किया जा सकता है, हमेशा ताने मारना ज़रूरी नहीं है। तो ताने मारने वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जबान को अपनी जबान में थोड़ी सी मिठास लाएँ और दूसरे को ऐसी बात बोलें जो आपका काम भी हो जाए, कि उसको समझ में भी आ जाए और आप भी बुरे ना बने। तो अच्छी बातें बोलना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा आपको कोई बात समझानी है तो हमेशा अच्छे से समझाइए। और ताने सुनने वाले भी अपने को दूसरे के हाथ की कठपुतली ना बनाएं बिल्कुल भी। और जो उनको अच्छा लग रहा है, जैसा वो सही समझ रहे हैं वैसे ही काम करें। वो हम लोग किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं कि हर हमेशा हमेशा हर एक को सफाई देते फिरें। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और आशा है कि आप मतलब जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो अभी से सुधर जाएं। और ताने मारने वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को खुद पता नहीं चलता है कि हम लोग गलत हैं या ये जो ताने मारने वाला बोल रहा है ये सही है कि हम लोग गलत हैं। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये आए दिन आपके साथ ऐसा ही करता है, आप कोई भी काम करते हो तो आपकी बुराई निकाली जा रही है, तो आप खुद ही सावधान हो जाए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सुना रहे हैं उन्हें सुना दीजिए। कब तक सुनाएंगे, सुना सुना के बोर हो जाएंगे। और आपको जो काम करना है आप अपना काम करिए। अगर आप भगवान की नज़र में सही हैं तो आप सबकी नज़र में सही हैं। और इंसान की नज़र में सही हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ इंसानों की आदत होती है दूसरों में सिर्फ और सिर्फ बुराई निकालते हैं। उनके खुद के ही मन में बुराई होती है, वो मतलब पैदा ही हुए हैं दूसरों की बुराई निकालने के लिए, दूसरों में कमियां ढूंढने के लिए। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि एक सांप होता है, सांप की आदत होती है काटने की, वो काटेगा, तो उससे बचना है सिर्फ आपको। बस आप बचिए और अपने में खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, और जो उनके प्रति दायित्व हैं आप उनको पूरा करिए। और ताने मारने वाले को एक कोने में कर दीजिए बिल्कुल। देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल खुश हो जाएंगे आप, अपनी फैमिली में बिल्कुल खुल के जी पाएंगे। जो ताने मारने वाले लोग होते हैं ना, यह लोगों का जीना दूभर कर देते हैं ताने मार मार के। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है और बिल्कुल खुश होकर अपनी लाइफ जीनी है। अपने को खुश रखिए, अपने को खुश रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ओके गाइस, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो कहा है उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।